ठीक है चलो। ये कहता फोर्स ऑन ए रॉकेट, देखो रॉकेट वाला सवाल खास करके ध्यान देना, रॉकेट वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कई बार और इनके आने के चांस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज रॉकेट प्रोपल्सन जो है वो बहुत सारे स्कूल कोचिंगों में छुड़वा दिया जाता है। द फोर्स ऑन ए रॉकेट, अगर एक रॉकेट है, चलो एक रॉकेट बना लेते हैं, ये ऐसे रॉकेट, रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है, ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट लगता है, ठीक है, ये जो विस्कस, ये जो थ्रस्ट है, गैसेस होते हैं, उन गैसेस का फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, अगर ग्रेविटी है तो mg नीचे लगेगा, अब थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलेट करेगा। इफ़ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी, अब भी वेलोसिटी से रॉकेट जा रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 300 न्यूटन का लग रहा है, और जो है सॉरी 300 मीटर पर सेकंड से स्पीड जा रहा है, और जो फोर्स है वो 210 न्यूटन का है, 210 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसकी स्पीड इतना है। देन रेट ऑफ कम्बस्चन ऑफ फ्यूल, कम्बस्चन, रेट ऑफ कम्बस्चन क्या होता है, डीएम अपन डीटी। अब आप अगर रॉकेट प्रोपल्सन पढ़े हो तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होगा, क्योंकि देखो इसमें ये नहीं बताया गया कि एम जी ज़्यादा है या थ्रस्ट ज़्यादा है, ऐसा कुछ इस पर बताया गया कि नेट फोर्स इतना आगे लग रहा है और वो इससे जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जो इस पर फोर्स लगता है थ्रस्ट इज इक्वल टू वी डीएम अपॉन डीटी, ये ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर आप पढ़े हो तो आप इसको लगा पाओगे। तो जो फोर्स है वो हमें चाहिए डीएम अपन डीटी, तो डीएम अपन डीटी की जो वैल्यू आ जाएगी, डीएम अपन डीटी की वैल्यू आ जाएगी, वो फोर्स कितना हो गया 210 न्यूटन और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 300, ठीक है 300, तो एक जीरो जीरो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी वन अपॉन थ्री, तो 3 × 21 मतलब तो 0.7, ठीक है 0.7 kg per second, 0.7 kg per second जो है दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये एक फोर्स है, थ्रस्ट है जो लगता है, ये कहाँ से आया है, एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट किया गया है, इससे पिछले लेक्चर देखना मैं उसमें करवाया हूँ कहाँ से आया है, ठीक है।